हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ये है दूसरा दिन और कल की जो वीडियो तुमको कैसी लगी दोस्तों, है ना। तो आज हम फिर से आए हैं जंगल में और मेरे साथ ओपी था कल, है ना, और ये है महेंद्र है दोस्तों, है ना। तो आज हम हो गए हैं 3 लगभग और कल आपको पता ही हो चुकी थी नाइट वगैरह। तो आज हम थोड़े जल्दी आए, दोपहर को आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे करेंगे आज कुकिंग वगैरह, तो इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। चले भाई फिर, है ना। और लकड़ी लेने के लिए आए हैं वैसे तो, है ना। और ये अपने साथ बिल्लू रानी है और आज हम साथ में महेंद्र को लेके आए हैं। ये हमारे कॉमेडियन है, बॉलर साहब है, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। हाँ, और यहाँ पे वैसे दोस्तों ये गांव की है, क्या इन्हें उमा नरसी। तो यहाँ से क्या है कि जो लकड़ी हम काट नहीं सकते, लेकिन जो सूखी लकड़ी है ना उसका उपयोग कर सकते हैं हम। तो ये मतलब सरकार की संपत्ति है वैसे तो। कल मैं आया था, सुबह आया था वैसे तो, यहाँ पे आया था अकेला आया था, मेरे साथ ओपी वगैरह कोई नहीं था। और यहाँ अधिक रहती है नील गाय, तो उससे थोड़ा खतरा है। तो कल मुझे बहुत लगा था डर वगैरह, और कल मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो शूट नहीं की थी। साथ में 3, अरे यार वो खरगू देखो गया, अभी कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, वो गई अमीश। अभी आपको दिखाते हैं सांप का बिल, पास में हम नहीं जाएंगे। ये देखो शायद अंदर ही होंगे, जंगल में इस तरह गए अगर आपने नहीं देखा हो तो। और सुरक्षा के लिए ये लाठी अपने साथ रखी है, ठीक है। तो लेते हैं लकड़ी वगैरह। तो लो दोस्तों, फाइनली हमारे जो लकड़ी थी वो भी हो चुकी है, है ना। और वो भी कर रहा है कटिंग वगैरह, और कटिंग करने के बाद साइकिल पे रखना थोड़ा आसान हो जाएगा, कल की तरह दिक्कत नहीं होगी, है ना भाई। ठीक है, करते हैं फिर, आपको बाद में मिलता हूँ। इसका उपयोग करते हैं पत्थर वगैरह का, इसका बनाएंगे हम चूल्हा वगैरह, और वहाँ पर हमने की साफ सफाई, फिर वहाँ चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बनाते हैं चूल्हा, इसको मिट्टी को थोड़ा करेंगे गहरा वगैरह, है ना, ठंडी में थोड़ा करेंगे गहरा। इसके ऊपर है ना रखेंगे पत्थर वगैरह ला रखे हैं, ताकि हमारी जो कुकिंग वगैरह है वो थोड़ी स्पेशल बन सके। तो करते हैं दोस्तों, वैसे दोस्तों साथ में लेके नहीं आए हैं प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह, मिर्ची वगैरह, वो हम भूल गए हैं। तो ऐसे ही हम बनाएंगे, कुछ बनानी है मैगी वगैरह, वैसे तो सिंपल बनाएंगे। गांव में किस तरह मैगी बनती है वो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। वैसे दोस्तों जंगल में मैगी बनाना एक अलग ही मज़ा है, है ना। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी इसको बनाते हैं सुल्ला वगैरह, फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ। तो दोस्तों करते हैं बनाना शुरू, और ओपी आज हमारे कुक है, मास्टर माइंड है। जैसे सावन लेवा इसको साथ में लेके आए यार, थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाएगी हमारी। कल आई थी तफिल, वैसे सिर्फ ओपी ने वगैरह कपड़े चेंज किया वगैरह, मेरे तो वही है सेम ही है। और चार दिन हो गए स्नान करके इसको, चार दिन हो गए स्नान, सर्दी बहुत है इसलिए स्नान नहीं करता है। सर्दी बहुत है
जिंदगी भरी जड़ी वो राके मार रिवॉल्वर था बढ़ियो लाके कोई राखी से रेडी है टाइम लागे नी तो दोस्तों फाइनली हमारा पानी हो चुका है गर्म वगैरह, अब इसमें डालते हैं मैगी और धुआं अधिक आ रहा है अपनी आंखों पे। शॉर्ट वीडियो ले लो, न्यू फोन लाया हूं भाई साहब, शॉर्ट वीडियो ले लो, कल तो मैं फोन ले यादगार रही ना फोन। तो दोस्तों एक पैकेट तो अंदर डाल दिया है और दूसरा पैकेट बाकी है, वो वहाँ पे पड़ा, वो डालते हैं है ना। और मैगी मसाला है तो अंदर को, हाँ ठीक है बाद में वो डालते हैं। और पानी देखो आप, पहले पानी तो देख लो, पूरा ऊपर तो नहीं आ रहा। ठीक है अभी बनाते हैं, पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। वैसे प्रोसेस तक क्या है, जैसी जुगाड़ है, गर्म पानी किया, इसमें डाली मैगी वगैरह और ऊपर डाला मसाला, फिर बनके हो चुका तैयार है ना, यही प्रोसेस है ना। ठीक है तो सेकंड पैकेट डाल देते हैं। वाओ जय श्री राम। चलो ठीक है नौकिन मसालो, वो तो नौकी तो बनी पोपड़िया थोड़ा बड़े है कल मारी खाटन पड़े हां हां कई गरम पड़े।
खानी पड़े, खानी पड़े रहे वो तो उतर जाए। माफी बड़ी मारे साहब, पानी नोक माए कौन भारी है बोड़ा निशी ले गए निशी ले पर डोली तो मसाला पकाना पड़े। ठीक है दोस्तों, लगभग हमारी मैगी बनके हो चुकी है तैयार। और ये ओपी का आइडिया है, ऐसे मेरा आइडिया नहीं है। तो देखते हैं चलो ठीक है। देख घर पर हम क्या बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों हमारी मैगी बन चुकी है तैयार। अभी इसको करते हैं टेस्ट वगैरह, है ना, करते टेस्ट। पहले एक फोटो लो मस्त एक मिनट। तो वैसे दोस्तों हमारे पास स्पून तो है नहीं, तो ये है लकड़ियाँ, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे और ये हमारे स्पून बन गया है देसी दुकान। ठीक है, वैसे हाथ से खा लेते थे लेकिन हाथ थोड़े ख़राब है और पानी भी थोड़ा खराब, पानी है मतलब है लेकिन थोड़ा कम है, तो हाथ वगैरह नहीं धोएंगे है ना भाई। और भूख लगी है। और मैगी कैसी है? मैगी एक नंबर है। ठीक है, खाते हैं फिर, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैगी वगैरह खा ली है और अभी अभी निकलते हैं घर की ओर। अभी वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कर जरूर करें दोस्तों, और कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।